और साथ ही चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर आज योग गुरु बाबा रामदेव बिहार के मोतिहारी में हैं, जहां गांधी मैदान में लोगों को योग सिखा रहे हैं। इस मौके पर बाबा रामदेव ने बिहार सहित चंपारण में लीची उद्योग लगाने की बात भी कही। 3 दिवसीय उद्योग शिविर का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान राधा मोहन सिंह ने बाबा रामदेव को अंगवस्त्र से सम्मानित भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोतिहारी बापू की कर्म भूमि है और देश चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मना रहा है। 100 साल तक स्वस्थ रहने की गारंटी। तो उस समय हमने न सिर्फ आजादी का सपना देखा था, बल्कि हमारा दूसरा भी सपना था आजादी और स्वराज के साथ, दूसरा सपना था स्वराज का और स्वदेशी का। आजादी के बाद भी हम कई विसंगतियों से जूझ रहे थे और गांधी के आदर्शों को हम धीरे धीरे ओझल करते जा रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी की खूबी है, जो हमारी माँ है, शायद हमारी माँ हमारी धरती ने सोचा कि गांधी जी का जो एक बड़ा सपना था सामने से भी हट जाएगा, स्वराज ही नहीं स्वदेशी भी उनका सपना था कि जब स्वराज होगा तो हम स्वदेशी व्यवस्था को आगे लाएंगे। और जब गुलाम थे उस समय भी स्वदेशी के लिए गांधी जी के नेतृत्व में हम आंदोलन करते थे। और इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव से जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव ने बातचीत की। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष है और 1917 में यहाँ इस धरती पे महात्मा गांधी आए थे और 2017 है और बाबा रामदेव आए हुए हैं। स्वदेशी अपनाने को गांधी ने कहा था, आज बाबा कह रहे हैं। महात्मा गांधी ने स्वराज के लिए, स्वदेशी के लिए, स्वाधीनता के लिए, स्वाभिमान के लिए एक बहुत लंबी जंग लड़ी थी और महात्मा गांधी के चंपारण के सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर उन्हीं के स्वराज और स्वाधीनता इसको लेकर के हम आज भी आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई लेकिन आर्थिक आज़ादी कहाँ मिली है। अभी भी करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है और उसमें भी 15 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था पर चीन का कब्जा है और चीन जो हमसे पैसा पाता है उससे वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को फंडिंग करता है और इससे हमारे देश की एकता अखंडता और संप्रभुता पर खतरा पैदा हो जाता है। मैं तो कहूँगा चीन सहित ये एक ही कल्चर है इन सारी विदेशी कंपनियों का, ईस्ट इंडिया कंपनी कल्चर। आज़ादी की पहली जंग 1857 का प्रथम स्वातंत्र संग्राम हमने किसी विदेशी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ा था, वो आज़ादी की प्रथम लड़ाई हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ी थी। इसलिए दोबारा से ये देश कहीं गुलामी की ओर ना चला जाए, सबका दायित्व है कि हम स्वदेशी को अपनाएं, स्वाधीनता के साथ जिए और योग को अपनी जीवन शैली बनाएं, क्योंकि यदि योग को जीवन शैली नहीं बनाएंगे तो रोग तो जीवन शैली बन ही जाएंगे। उसको आजकल बड़ा अच्छा शब्द दिया जाता है, लाइफस्टाइल डिजीज। इफ़ यू डिनाय योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। लेकिन योग पे राजनीति जरूर हो रही है ना? ना, योग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा राज है, राजयोग है। तो अब इसमें क्या होता है, आपस में थोड़ा बहुत लोग अपने राजनीतिक वजहों से किसी की आलोचना करें एक दूसरी पार्टी की, अलग बात है। बाकी इस समय कोई भी व्यक्ति, यदि बिहार की बात करें तो आदरणीय लालू जी से लेकर के आदरणीय नीतीश जी से लेकर के, और ऊपर बात करें तो आदरणीय सोनिया गांधी जी से लेकर के और राहुल जी से लेकर के उनके दादाजी माने नेहरू जी भी खुद योग किया करते थे, शीर्षासन तक किया करते थे। और इंदिरा गांधी जी तो सबको पता है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी उनको रोज योग करवाया करते थे। तो योग किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है,
योग तो अपने पूर्वजों की विरासत है, इस पर कोई सियासत करना उचित हो ही नहीं सकता। किसान आयोग देश में बनना चाहिए, क्योंकि किसान की जिस तरह हत्या आत्महत्या कर रहे हैं देश में, जिस तरह किसानों का हालत है। जरूर, किसानों के लिए चिंता बहुत बड़ी है, और जो चारों तरफ आक्रोश है, आग है, उसको बुझाना चाहिए, उसको भड़काना नहीं चाहिए। और किसान क्या मांग रहे हैं, वो इतना ही तो कह रहे हैं कि भाई हमारी फसल का लागत मूल्य तो हमको दे दो, लाभकारी मूल्य तो बाद की बात है। तो इसके ऊपर जो है गंभीरता से सरकार को, सभी सरकारों को, सभी, क्योंकि ये कृषि जो है वो केंद्र का भी और साथ में राज्य का भी विषय है, सभी केंद्र और राज्य सरकारों को मिल बैठ करके इसका समाधान खोजना चाहिए। मैं कृषि पुत्र होने के नाते बहुत पीड़ा महसूस करता हूँ जब कोई भी किसान आत्महत्या करता है, इस देश का अन्नदाता। और यदि किसी भी कारण से, क्योंकि कुछ लोग अपराधी तत्व भी घुस जाते हैं आंदोलनों के बीच में और वो आंदोलनों को दिशा से भटका देते हैं, उसका पॉलिटिसाइज कर देते हैं उनको, और जिस तरह से पिछले दिनों हुआ है किसानों की जिस तरह से हत्या हुई है, वो बहुत ही अशोभनीय है। तो जो जिम्मेदार लोग राजनीति के हैं उन्हें आग लगाना नहीं चाहिए बल्कि आग बुझाने का काम करना चाहिए, ये बाबा रामदेव ने कहा है। कैमरा में जितेंद्र के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, मोतिहारी।